बकरी की बच्ची की समस्या। एक गांव में सुब्बू नामक किसान के पास एक बकरी रहती थी और उस बकरी के 3 बच्चे थे। वह रोज उन बकरियों को घर के बाहर छोड़ देता था। माँ बकरी के पीछे पीछे ही छोटी बकरियां जाते थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन को कैसे खाया जाता है करके बच्चों को सिखाती थी। वे सब भी अपने अपने इच्छा से पूछ कर जाने लगे। पूरा दिन उस गांव में घूमते हुए कमाए हुए भोजन को खुशी से खाते थे, फिर वापस शाम तक घर पहुंच जाते थे। एक दिन सुबह ही मालिक के छोड़ने पर माँ बकरी बच्चों को लेकर भोजन ढूंढने के लिए निकले। बकरियां भी मजे से माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन कैसे खाते हैं हमेशा की तरह दिखाने लगी, पर छोटी बकरियां वो सब अनदेखा करते हुए आजादी मिलने पर अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगे। माँ बकरी के कितने सतर्क करने पर भी नहीं सुने। आखिर में जोर से डांटने पर मुंह लटका कर पीछे मुड़ गए। इतने में एक क्रोधित बकरी की बच्ची अपनी माँ से बहस कर रही थी। हर रोज की बातें कितनी बार बोलोगी माँ, हम भी तो बड़े हो रहे हैं और हमें भी पता है कि भोजन कैसे खाया जाता है। हमेशा बातें दोहराती हो, कहीं भी जाने के लिए मना करती हो, तेरे पीछे ही आने के लिए बोलती हो। हमेशा तेरे पास ही रहे, हमें आजादी नहीं है क्या? बोल माँ बोल, बोलकर गुस्से से प्रश्न किया। इससे माँ बकरी ने भी गुस्से से कहा, तुम बच्चे हो, माँ की बातों को सुनना होगा। पास ही जंगल है, कोई भी बड़ा जानवर तुम लोगों पर हमला कर सकता है। अगर मेरी बात नहीं सुना तो इस बार घर में ही छोड़ आऊंगी, अब तुम लोगों की मर्जी, बोलकर चेतावनी दी। कुछ देर बाद माँ के बातों को भी अनसुना करते हुए वह क्रोधित बकरी की बच्ची अकेले ही सड़क पार करके दूसरी गली में चली गई। ये सब दूर से एक लोमड़ी ने देखा। अकेले ही जा रही बकरी की बच्ची के ऊपर उछल पड़ी। अचानक इस घटना से डरी हुई बकरी की बच्ची घबरा कर कुछ दूर भागी। आखिर में एक खुली गेट वाले घर में जाकर छुप गई। तुम्हें तो घर के बाहर आकर मेरा खाना बनना ही पड़ेगा, शायद बस कुछ देर और हो जाए, लेकिन बनना तो पड़ेगा ही, हंसते हुए बोली और उसके बाहर आने पर निकल सकती है करके सोच कर उधर ही गेट के बाहर बैठ गई लोमड़ी। बेचारी बकरी की बच्ची डर से कांपते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, नहीं मुझे मत मारो, बोल के गेट के उस पार से विनती करने लगी। लेकिन लोमड़ी ने कहा, हर रोज देख रही हूँ तुम लोगों को, अकेले मेरे पर पकड़ने के लिए देख रही थी। तुम्हारी माँ के होने पर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई, इतने दिनों के बाद अकेले मिली हो, अभी तो छोड़ना ही नहीं है। बकरी के बच्चे के मन में उसकी माँ की बातों को ना सुनने पर ही यह समस्या आई करके रोने लगी। और फिर कभी भी माँ के बातों पर बहस नहीं करना है, उनकी बातों को सुना होगा तो लोमड़ी के नजर में ही नहीं पड़ती थी करके सोच रही थी। ऐसे बहुत देर हो गया, बाहर देखे तो लोमड़ी हिली नहीं रही थी। उसकी स्थिति दुश्मनों को भी ना आए करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतने में घर के मालिक बाहर गेट के पास आया। गेट के बाहर बैठी हुई लोमड़ी को देख हाथ की लाठी से एक मारा, इससे वह चिल्लाते हुए जंगल भाग गई। बकरी की बच्ची बच गई करके उस घर के मालिक को मन में ही धन्यवाद करके जल्दी से माँ के पास लौट गई। तब तक परेशान माँ बकरी और बाकी के बकरियाँ इस क्रोधित बकरी के वापस आने पर खुशी में डूब गए। उसके बाद पूरी बात जानकर बकरी की बच्चियों ने फिर कभी भी माँ से बहस नहीं किया। पक्षी का गुस्सा। एक बार जंगल में एक साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू करे। पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके साधु बहुत साल तक तपस्या करा। उस पेड़ के पास आने वाले पक्षी या जानवर साधु के तपस्या को भंग ना करना बोल के बिल्कुल आवाज ना करके उधर से चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद साधु का अधीरता नष्ट होकर तपस्या को बीच में छोड़ दिया। उतना ही नहीं,
भगवान है या नहीं? अगर होते तो मेरे तपस्या के लिए अभी तक प्रत्यक्ष हो जाते थे। जंगल से वापस चलने लगे। उधर से जाने वाले साधु को एक छोटा सा पक्षी तालाब के पानी को उसके पूंछ से सूखा करने की कोशिश में दिखाई पड़ी। पूरा देखने वाले साधु को अजीब लगा, इसलिए पक्षी को, तालाब के पानी को क्यों सुखा रही हो, वजह क्या है, ऐसे पूछा। उसके समाधान के लिए पक्षी, इस तालाब के किनारे एक पेड़ पर मेरा घोंसला है, उस घोंसले से मेरे अंडे फिसलने से तालाब उन्हें निगल लिया, इसलिए इस तालाब को पूंछ से सुखा दूंगा, ऐसे गुस्से से बोली। इससे साधु को ज्ञान उदय हुआ। इस पक्षी को जितना आत्मविश्वास है वो मुझे नहीं है ना। वापस जाके पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू करा। ऐसे थोड़े दिन के बाद वन देवी प्रत्यक्ष हो गई। क्या वर चाहिए बोल के साधु पूछ से तालाब को सुखाने का प्रयत्न करने वाली पक्षी की कहानी बोला और उसके कष्ट को दूर करने के लिए कहा। देवी ने वर दे दी। तालाब पूरा सूखने से पक्षी आनंद से जाके उसके अंडे को लाकर घोंसले में लगा ली। बाद में तालाब के पास जाने वाले साधु को बुलाकर, देखे क्या मैं इस तालाब को सुखा नहीं पा रही थी, बोल के वो भगवान ही इस तालाब को सुखा दिया। आपके तपस्या से खुश होकर भगवान दिखाई दिए तो मेरा धन्यवाद उन्हें बोल देना, बोली पक्षी मासूम से। साधु धीरे से हंसते हुए ठीक है बोला। इस कहानी का सीख यह है कि प्रयत्न करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं। घमंडी भेड़िया। एक बार एक गांव में गोपैया नामक एक छोटा सा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे भेड़िया रहते थे। उन्हें सुबह सुबह जंगल में ले जाकर पूरा दिन चराने के बाद वापस शाम में घर ले जाता था। सभी भेड़ियों को भरपेट खाना देकर मालिक बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन भेड़ियों के समूह में से एक भेड़िये को बहुत घमंड था, क्योंकि उसे बचपन से गोपैया लाड़ प्यार से बड़ा करा। इसीलिए वह दूसरे भेड़ियों से भी बहुत खुश नसीब है सोचकर अति आनंद होता था। जो कोई भी पास से निकलता था तो बिन मतलब से गुस्सा होकर उसके झुके हुए सींग से घुमा घुमा कर उनको जख्म कर देता था। उसे सभी लोग घमंडी भेड़िया बोल के बोलते थे। उस घमंडी भेड़िया के बारे में गोपैया को शिकायत करते थे। भेड़िये के मालिक को वह एक सिर दर्द बन गया था। उसके वह भेड़ियों से बहुत प्यार था, इसीलिए उससे छुटकारा भी नहीं हो पा सकता था। सभी इकट्ठे होकर चर्चा करने के बाद आखिर में एक उपाय निकाले। उस भेड़िये के गले में एक घंटी बांधूंगा, वह आने पर घंटी की आवाज सुनाई पड़ेगा, फिर सभी लोग उससे बचने के लिए वह से भाग सकते हो। उसके लिए सभी लोगों ने हाँ बोला। इसीलिए घमंडी भेड़िये के गले में गोपैया घंटी बांधा। घंटी बांधने से सभी लोग खुशी से सांस लेने लगे। वह जब आता था तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ती थी, इसीलिए सभी लोग होशियारी से रहते थे। भेड़िये को घंटी बांधने के बाद और बहुत घमंडी हो गया था। मैं सबसे बढ़कर हूँ, इसीलिए मालिक ने मुझे घंटी बांधा, ऐसे सभी भेड़ियों को बोलता था। उस घंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता था। उसके अजीबोगरीब हरकतें देखकर बाकी भेड़िया तंग आ गए थे। एक दिन उस घमंडी भेड़िये को सबक सिखाना बोल के उमर से एक बड़ा भेड़िया, यह घंटी तेरे लिए सुंदर सा हार है बोल के घमंड हो रहे हो, पर तू अहंकार से हर व्यक्ति को मार रहे हो बोल के सभी अपने बचाव के लिए तुझे घंटी पहना दिए, इसी बात से मन ही मन खुश होने के वजह नहीं, ऐसे सच बोल दिया था। उसके बाद सुनने के बाद भेड़िया सोच में पड़ गया था। शुरुआत में सारी बातों को याद करने लगा। जो बड़ा भेड़िया बोला वही सच है बोलकर समझ गया था। तुरंत अच्छे सीख लिया। उस दिन से वह जो कोई भी रास्ते पर चलता था उन्हें परेशान नहीं करता था। इतना ही नहीं, बाकी सभी भेड़ियों से दोस्ती से रहकर मालिक से अच्छा नाम कमा लिया था। कुत्ता बना बब्बर शेर। एक जंगल में एक साधु का आश्रम था। वो उसमें ही अपनी तपस्या करता था। अगर कोई उससे सहायता मांगता
तो वो हमेशा उसकी मदद करता था। साधु की अच्छाई ने जंगल के जानवरों को बदल दिया और सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे। सब जानवर एक एक करके आश्रम में आते और खेल कूद के वापस चले जाते थे। साधु को उनकी बातें समझ आती थी। एक दिन कहीं से एक कुत्ते का बच्चा उस आश्रम में आया। वो साधु के पैरों में खेल रहा था। उसे देखकर साधु को उस पर बहुत प्यार आया और वो उसे पालने का निर्णय कर चुका था। अब वो रोज आश्रम में ही रह रहा था। थोड़ी देर बाद वो आश्रम से निकल गया। रास्ते में उसे एक चीते ने देखा और उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा किया। वो वापस आश्रम में भागकर आ गया और साधु को सारा किस्सा सुनाने लगा। साधु ने अपनी शक्तियों से उसे चीते में बदल दिया। चीते में बदल जाने के बाद वो कुत्ता जंगल में निडर होकर घूमने लगा। एक शेर की नजर उस पर पड़ी और वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। वो अपनी जान बचाकर फिर से आश्रम में आ गया और साधु को अपनी सारा किस्सा सुनाने लगा। अब साधु ने उसे अपनी शक्तियों से शेर में बदल दिया। अब उसे हाथी जैसे बड़े जानवर उसे डराने लगे। फिर से वो आश्रम में आकर साधु को फिर से सब कुछ सुनाने लगा। अब की बार साधु ने उसे सीधे सीधे जंगल का राजा बब्बर शेर बना दिया। बब्बर शेर बनने के बाद कुत्ते का बच्चा बहुत घमंडी हो गया था और वो जंगल के सारे मासूम जानवरों का शिकार करने लगा। उसे आता देखकर सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते थे। उसने सारा जंगल का माहौल बदल दिया। जंगल से जब वो वापस आश्रम में आया तो साधु को देखकर, जिसकी वजह से उसे ये शक्ति मिली, उसे ही वो अपना शिकार बनाना चाहता था। साधु को उसके इरादे ठीक नहीं लगे। उसे पता चल गया था कि वो उसका शिकार करना चाह रहा है। तब उसने अपनी शक्तियों से उसे वापस कुत्ते में बदल दिया और उसे आश्रम से निकाल दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारा अच्छा करता है, अगर हम उनका बुरा चाहें तो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता।